प्रसादी वगैरह दिख रहा है, तो हम लोग चलते हैं प्रसाद वगैरह खरीदेंगे और भगवान प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए इधर लड्डू वगैरह दिख रहा है, तो चलते हैं हम लोग प्रसाद खरीदने। ये देखिए फ्रेंड्स जहाँ से हम लोग प्रसाद खरीदेंगे, तो चलते हैं दुकान के तरफ। दुकान के तरफ जाकर प्रसाद खरीदेंगे हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स जहाँ से हम लोग प्रसाद खरीदें, बेसन वाला लड्डू खरीदेंगे। देख सकते हैं लोग वीडियो में, यहाँ पे वेट होगा, सामने आपको दिखेगा। देखिए अंकल वेट कर रहे हैं, सामने आपको दिखेगा ब्लॉग वीडियो में। यहाँ पे प्रसाद पैकिंग हो चुका है, हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाएंगे। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहेंगे, हम आप लोग को मंदिर का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम लोग प्रसाद खरीद चुके हैं, अब चलते हैं माला वगैरह खरीदेंगे, इसके बाद मंदिर में जाएंगे। प्रसाद खरीद चुके हैं यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग माला खरीद रहे हैं, भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद चुके हैं, उनकी माला खरीदेंगे। इसको माला खरीद के इसके बाद भगवान को माला लगाएंगे। हमारे साथ लोग बने रहेंगे, तो फ्रेंड्स हम लोग प्रसाद और माला खरीद चुके हैं, देख सकते हैं लोग वीडियो में। चलते हैं भगवान को चढ़ाने, तो आप हमारे साथ लोग बने रहेंगे, हम आपको मंदिर का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। तो हम लोग मंदिर के तरफ चलते हैं, भगवान जी प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए काफ़ी श्रद्धा लोग प्रसाद चढ़ाए कर जाएंगे, क्योंकि आज मंगलवार है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर मंदिर में, और लोग बारी बारी से प्रसाद चढ़ा रहे हैं। सामने आप लोग को पंडित जी दिखेंगे, और महावीर भगवान का पट बंद हो चुका है, बाबा अभी रेस्ट कर रहे हैं। और अब मेरी बारी आई, लोग बारी बारी से प्रसाद चढ़ाते हुए नजर आएंगे, तो हमारी बारी आई, हम पंडित जी को प्रसाद देंगे, उसके बाद हम पंडित जी प्रसाद चढ़ा करके वापस करेंगे। देखिए बच्चे लोग कैसे घंटी बजाते हुए नजर आएंगे। तो हमने प्रसाद चढ़ा चुके हैं, तो कुछ भगवान का आशीर्वाद वगैरह ले लेते हैं, इसके बाद फिर भोलेनाथ का दर्शन करने जाएंगे। भोलेनाथ के भगवान में है भोलेनाथ की प्रतिमा है, तो हमने आशीर्वाद वगैरह ले ली है, अब चलते हैं प्रणाम करने भोलेनाथ को। यहाँ पे भगवान जी का पट बंद हो चुका है, ऐसे दोपहर में 1 बज चुका है, तो भगवान जी का पट बंद हो चुका है, और हम लोग चलते हैं शंकर जी को प्रणाम करने। देखिए सामने आप लोग को शंकर जी भोलेनाथ की प्रतिमा है, देख सकते हैं, तो हम लोग चाहेंगे प्रणाम करने भोलेनाथ को। यहाँ से प्रणाम वगैरह करके इसके बाद तक हो जाएंगे, आशीर्वाद भी लेते हैं भोलेनाथ का। चुके हैं,